हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने वाला है क्रिस्पी पोटैटो चिली। आप भी चाहते हैं क्रिस्पी पोटैटो चिली बनाना तो हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। तो चलिए चिली पोटैटो बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसा पोटैटो चिली बनाने के लिए सबसे पहले आलू को इस तरीके से कट कर ले। अब इसमें हम डालेंगे नमक और इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे हमारे आलू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ हमें डालना है ऑरेंज रेड फूड कलर। फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाना है तो इसमें फूड कलर डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा और प्यारा आएगा। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर हम धीरे धीरे ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कॉर्नफ्लोर हमारे पोटैटो को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा, साथ ही ये बहुत क्रंची होगा। तो इसमें कॉर्नफ्लोर धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, जिस तरीके से ये मतलब ड्राई होना चाहिए, हमें ड्राई चाहिए, गीला अच्छा नहीं होता। अब देखिए इसमें पानी छोड़ चुका है ये कॉर्नफ्लोर, तो इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा इसके पानी को सोख लेगा और ये इसे ड्राई करेगा। अच्छे तरीके से हम इसे कोट करेंगे मिक्स करते हुए। और जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं हम तेल भी गर्म करने चढ़ा देंगे, क्योंकि ये अगर सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, पानी छोड़ दिया तो सही नहीं होता। तेल हीट करेंगे। देखिए हमारा थोड़ा जो पोटैटो है वो स्टिकी दिख रहा है, तो इसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर और मैदा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाइट दिख रहा हो तो इसका कोई टेंशन नहीं है, पर ये थोड़ा ड्राई होना चाहिए, स्टिकी मतलब पानी जैसा नहीं होना चाहिए, ये हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो गर्म तेल में हमें इसे फ्राई करना है। अगर फ्लेम हमारा लो रहेगा और तेल अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो लेयर ये छोड़ देगा, इसके लिए हमें गरम गरम तेल में इसे डालना है। और स्टार्टिंग में नहीं चलाना है, जब ये हल्का सा पक जाए, मतलब आधा पक जाए, तब हमें इसे पलटना है। इस तरीके से हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची और चटपटा बनेगा। ये हाफ फ्राई हो चुका है, इसे पूरा डीप फ्राई नहीं करेंगे, अभी हम इसे निकाल लेंगे। सॉस जब हमारा रेडी हो जाएगा तब हम इसे एक बार फिर से फ्राई करेंगे। देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, अभी से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है। सॉस बनाने के लिए पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई लहसुन और घिसे हुए अदरक और हरी मिर्च। ये सब डालकर इसे हम पकाएंगे। लहसुन और अदरक ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से आप डालें, 1 टेबल स्पून के बराबर डालें अच्छे से, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पोटैटो चिली में। ये लाल हो चुके हैं, मतलब पक चुके हैं थोड़ी देर। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च और प्याज। अलग अलग कलर के भी आप शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप वाटर। ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि हमारा सॉस मतलब थिक होना चाहिए। अब इसमें मैं डाली हूँ रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए। अभी इसे हमें पकाना है थोड़ी देर के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर जो मैंने शुरू में डाला था, ऑरेंज रेड फूड कलर। अब हम कॉर्नफ्लोर पाउडर का एक घोल तैयार कर लेंगे और हम इसे थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे सॉस को थिक बनाए। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चिली टोमेटो सॉस। चिली टोमेटो सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मीठा नहीं होता, तीखा, खट्टा और हल्का मीठा होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। हमारे फ्राई पोटैटो को अब हम फिर से डीप फ्राई करेंगे ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। इसे एक बार हमने फ्राई कर लिया था, अब हम इसे पूरी तरीके से फिर से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये और भी क्रिस्पी हो गए हैं। अब सॉस में हम डालेंगे हरे प्याज और धनिया पत्ती और फिर इसमें फ्राई पोटैटो को हम मिक्स कर दें।
इसे बस कुछ सेकंड के लिए पकाना है। इसे हल्का सा टोस्ट करेंगे और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें रोस्टेड तिल डाल देंगे और क्रिस्पी पोटैटो चिली रेडी है। इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। प्लीज़ आप एक बार इस तरीके से आप पोटैटो चिली बना कर देखें, बहुत टेस्टी बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।